भैया जी आइए, बहुत हुआ सम्मान। एक मीठी चुभन जगाती है। एक बात याद रखिए, आपको सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, और तब तक हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे जब तक कि हमें अपना जवाब मिल नहीं जाता। कब तक करेंगे? जब तक जिंदगी है। इसका मतलब कि आप जिंदगी भर हमारा इंतजार करिएगा? और अगर यकीन नहीं आता तो आजमा के देख ले, जो कहा है उससे पीछे नहीं हटेंगे। चलो, बहुत पता लग रहा है तुमको आजकल। चलो सोने, चलो 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 चलो। सरस्वती पुत्री के हाथों दिए प्रसाद को ठुकराना पाप होगा। पूरा प्रसाद लेकर जा रहा हूं। अपने आप को अकेला मत समझो, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? मेरा मतलब आप तो चले गए थे ना? हाँ। फिर यहाँ कैसे आ गए? मजबूरी में चला तो गया था, पर मन ही नहीं लगा, वापस आ गया।
पर वो का है? आपको आपके जन्मदिन की बधाई देने और अपना उपहार लेने। आपको आपको हमारा जन्मदिन याद था? भूल कैसे सकते थे नैना, आज के इस विशेष दिन जन्मदिन की आपको ढेर सारी बधाई। भगवान करे आप जिए हजारों साल और हर साल के दिन हो 1000। 1000? इतना लंबी उम्र की कामना काहे कर रहे हैं? इसमें हमारा ही स्वार्थ है, क्योंकि आप जिंदा रहेंगी तो हम जिंदा रहेंगे। एक मिनट, आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करो? कीजिए ना। लेकिन काहे? अरे कीजिए ना। अब आप अपनी आंखें खोलिए। ये लीजिए हमारी तरफ से एक मामूली सी भेंट। मां सरस्वती की प्रतिमा और आप कह रहे मामूली, इससे अच्छा तोहफा, इससे अच्छा उपहार तो हमको जीवन में कुछ मिल ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पुनीत बाबू। अब इनको आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, क्योंकि ये आपके साथ रहेंगे तो आपको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम जीवन भर इनको अपने साथ रखेंगे। सच में आज माँ सरस्वती को आपके पास आ करना बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि सही मायने में इनका वास आपके ही पास है। एक सौम्य शीतल और सुरीली लड़की के पास। नहीं पुनीत बाबू, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। आप झूठो हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अब हीरा को क्या पता होता है कि वो क्या है, उसका मूल क्या है, वो कितना अनमोल है? पता नहीं पुनीत बाबू। लेकिन हमें पता, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। क्या चाहिए का क्या मतलब? हम कुछ नहीं समझे। याद है आपने कहा था कि आप आज के दिन हमारे उस दिन के सवाल का जवाब दें। हाँ हाँ, हमको याद आया। याद आया ना, तो फिर दीजिए हमारे सवाल का जवाब। बाकी हम दे रहे हैं आपको जवाब। हमारी तरफ से जवाब क्या? सच? नैना, एक बार हमारी आंखों में आंखें डालकर बोल दीजिए जो आपने अभी कहा। पुनीत बाबू, इससे ज्यादा हिम्मत हमरा में नहीं है। हम कह दिए ना जो कहना था। नहीं नहीं, प्लीज नैना, एक बार हमारी आंखों में आंखें डालकर बोल दीजिए ना, प्लीज। हाँ। किन शब्दों में हम आपका आपका शुक्रिया अदा करें नैना? आपने 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 दुनिया की सारी खुशियां हमारे जीवन में भर दी नैना। सच, आज हमें जीने का मकसद मिल गया नैना। आइसन आइसन कहाँ मिल गया आपको? आपकी आपके यहाँ। एक बात जानती हो, आज मुझे एक बात पर पक्का यकीन हो गया। कौन सा बात पर? कि अगर आपके मन में किसी चीज को पाने का दृढ़ विश्वास होना तो वो चीज आपको जरूर मिलेगी।
विश्वास ही प्राप्ति का हथियार है। हम तो पता होते हैं, भूल गए कि राजबाबू हमारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, जाने से पहले आपको फिर से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत बाबू। आप अपना ख्याल रखिए। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और सुनिए, जल्दी आइएगा। अच्छा, कर रही हो जी तुम? सबका गोड़ोड़ काहे छू रही हो? जी, वो कहा है कि आज हमारा जन्मदिन है। जवाब तो हम देंगे, बाकी 3 तारीख को देंगे। वो दिन हमारा जन्मदिन है। अच्छा, बाबूजी कहते हैं कि आज के दिन बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद लेने से बहुत शुभ होता है, यही से हम आशीर्वाद ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, खुश रहो। हे भगवान, हे माता रानी, हम बर्बाद हो गए, सब लूट गया हमरा, एकदम में से कंगाल हो गए। क्या हो गया? अरे बाबूजी, हम क्या बताएं, एकदम से बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए, कुछ बचा। बाबूनी जी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? हाँ बबनी, बताइए ना। आप बताएंगे तभी तो हम लोगों को समझ में आएगा ना। बहुजी, हमारे बक्सों से सारा गहना चोरी हो गया और एक सूत तक नहीं बचा। हाँ भैया, एक सूत भी नहीं बचा। अब हम के नहीं जाए, किकरा से बोले, कैसे ढूंढने। बिल्कुल बर्बाद हो गए हम तो। चोरी? हमरे घर में चोरी? अरे कौन कर सकता है? क्यों, दूसर तीसर भी तो नहीं आया घर में दीदी? बबुली जी, आप गहने कहाँ रखी थी? हाँ बुआ जी, ये याद करके बताइए ना, कहाँ रखी थी गहना? अरे माया, सब गहना बक्सा से निकाल के हम अलमारी में रखे थे कि सोनार को दे देंगे सफाई के लिए, लेकिन हुआ तो देखते हैं, सब गहने पे कोनो हाथे साफ कर दिया है, तो अब का दे? हाँ, अब केकरा बोले? हम तो एकदम में लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे बुआ रोइए मत, सुनिए। अरे बुआ, हमसे बात कीजिए, अच्छे से याद है ना कि आपने गहने अलमारी में ही रखे थे? अरे बेटा प्रबल, औरत जो है ना, कभी भुलक्कड़ नहीं होती है। वो अपने पति को भूल सकती है, अपने बेटवा को बिसरा सकती है, लेकिन गहना नहीं। लेकिन फूफा जी, ताज्जुब की बात है, घर में कोई बाहरी आदमी नहीं है, ना कोई आया ना कोई गया, बुआ का गहना कहाँ चला गया फूफा जी? बड़ी ताज्जुब की बात है, जब घर में कोई बाहरी आदमी आया ही नहीं तो गहने कहाँ चले गए? आसमान निकल गया कि धरती खा गई? अरे पता चल जाएगा चाचा जी। अच्छा, क्या पता चल जाएगा? एक बात बताइए, आप ठीक से याद कीजिए कि कल रात से आज सुबह तक आपके रूम में कौन कौन आया था? अरे याद करो बुआ। हाँ हाँ, हमको याद आ गया। अरे क्या नाम है वो दोनों नौकर का? रामधनी और शंभू। अरे नहीं, वो दोनों छोटका नौकर का। अच्छा, नीलू नीला है? हाँ, वो है दोनों हमारा कमरा में आए थे और घूर घूर के हमारा अलमारी को देख रहे थे। अरे तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमको लगता है वही दोनों हम लोगों से दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप ठीक है कह रहे हैं, वो दोनों दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारी सबसे। ए महारानी भैया, आप रहते गाना। अरे चुप करो।
बकार 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 रो रही है, अब शांत रहना। जाओ उन दोनों को बुला के लाओ। ए रदिया, जरा जा बुला के ला दोनों को। मालिक, नीलू नीला इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता है मालिक। हमको अपना अपना भाई बहन पर पूरा विश्वास है। वो लोग इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। मालकिन आपको आपको जरूर है कोई कोई गलत गलत फहमी हो रहा है। देख रही है भौजी, सुन रहे हैं भैया? देखिए ये खड़े खड़े हमको झूठा बना रही है। अरे तू जैसे बोल रही है ना, अब तो हमको पक्का विश्वास हो गया है कि तुम्हारे भाई बहन चोर है। ठीक है, उनको आने दो भैया, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लो आ गए सब चोर, पूछो आप। नीलू, नीलू सच सच बता, तुम बुआ जी के कमरे में गई थी ना दीदी? ना, ठीक से याद करो। तुम सच कह रहे दीदी, हम नहीं गए थे। नीलू तुम बता, बुआ जी के कमरे में गए थे? नहीं दीदी, ठीक से याद करो ना तुम लोग। नहीं दीदी, हम सच कह रहे, हम नहीं गए थे। अब तो अब सुन लेना बुआ जी, हम कह रहे थे ना आपसे, मेरा भाई बहन झूठ नहीं बोल रहा है। ये लोग जब सुबह से हमारे साथ था, तब चोरी ऐसा पाप कैसे कर सकता है बुआ जी? इतना बड़ा पाप वो सब नहीं कर सकता, हमरा विश्वास कीजिए। ज्यादा ढेर बकालत मत करो, समझी ना? ज्यादा बकालत मत झाड़ो, दलील मत दे कि हमने चोरी नहीं किया। अरे चोर कभी कहता है कि वो चोरी किया है? पढ़ा रही हो? अरे एक काम करते हैं चाचा, चलते हैं इसके कमरे में और लेते हैं तलाशी, फौरन पता चलेगा चोरी किसने की है। भौजी आप एकदम करेक्ट बोल रहे। अरे हमारा तो कहना यही है कि इनको जो है घर से धक्के मार के निकाल देते। नहीं मालिक, सर पे छत नहीं रहेगा, अपने आप का ठिकाने रहेगा। मालिक 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 नहीं मालिक नहीं मालिक मालिक ऐसा मत कीजिए मालिक, हम तो गरीब है मालिक, बाबूजी भी बीमार है हॉस्पिटल में, हम लोग कहाँ जाएंगे मालिक? हम लोग भी बहुत अमीर नहीं है, हम लोग भी गरीब है, जो करनी किए हो इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी।